हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा हम लोग ऑर्गेनिक में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से याद करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चों का ये डाउट रहता है कि कैसे इसको याद किया जाए। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनका हम लोग सीनियरिटी टेबल अच्छे से याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, मेरे पास ये एक माइंड मैप है जिससे हम लोग कार्बोक्सिलिक से सारे फंक्शनल ग्रुप को कैसे याद कर सकते हैं। तो अभी देखो, आपको ये चीजें सामने नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जैसे जैसे आपको इसमें रिराइट करता जाऊंगा तो आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो मैं एक फंक्शनल ग्रुप से, यानी देखो मेरे पास क्या बेटा कार्बोक्सिलिक है, तो इस पूरे कार्बोक्सिलिक से जितने भी हमारे 11th क्लास में या स्पेशली जो 12th में यूज होंगे उनको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पहले याद करने का शॉर्ट ट्रिक देख लो, फिर हम लोग क्या चलेंगे सीनियरिटी टेबल को कैसे बेटा याद कर सकते हैं। तो दिस इज द सीनियरिटी टेबल। तो अभी आपको ये अच्छे से याद नहीं हो पाएगा, लेकिन जब थोड़ा हम लोग समझ लेंगे ना तो आसानी से याद करना आसान हो जाएगा। अब बेटा देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक है। तो देखो इसको याद कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप में पहले कार्बोक्सिलिक को याद करो। अब इसमें देखो शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले आप अगर देखो डिटेल अगर याद करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो उसमें मैंने आधे घंटे में 1 घंटे में डिटेल समझाया है। तो अभी आपको क्या है शॉर्ट ट्रिक से याद करना है कि ये तो कार्बोक्सिलिक देखो सबको पता होता है, RCOH को कार्बोक्सिलिक कहते हैं, इसे किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब इसमें देखो शॉर्ट ट्रिक बेटा ये है कि आप H को रिप्लेस कर दो। देखो ये वाला साइन क्या कर रहा है, रिप्लेस हुआ, इसमें क्या जोड़ दोगे, COR जोड़ दोगे, तो देखो क्या तैयार हो जाएगा, RCOCOR हो जाएगा। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं, यानी ये आपके पास कार्बोक्सिलिक हो गया, सिनेटी टेबल में नंबर 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, नंबर आपका 2 हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, यानी इसमें से एच को हटा करके COR चिपका दोगे तो बेटा ये कहलाएगा एनहाइड्राइड, और इसका नेमिंग है एसिड एनहाइड्राइड दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे R को रिप्लेस कर दिया गया, देखो CH3 से, इधर भी मैंने रिप्लेस कर दिया CH3 से, तो देखो इसका नाम आएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। बेटा इसी को देखो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH3CO क्या रहा, 2 बार आ गया, बिल्कुल आ गया, तो इसको मैंने ट्वाइस लिख दिया। ओ को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, तो ये लिया गया है एसिटिक एसिड से, और जब वाटर निकल जाता है तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो बेटा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि 2 कार्बोक्सिलिक को जोड़ो और 1 पानी निकाल दोगे तो इससे जो फंक्शनल ग्रुप तैयार होगा इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड बोला जाता है। तो कार्बोक्सिलिक नंबर 1 पर हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा, एनहाइड्राइड आएगा। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, पहले क्या आएगा, किंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, फिर बेटा इसके बाद क्या आएगा आपके पास, एनहाइड्राइड आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, एनहाइड्राइड आएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद स्पेशली बेटा क्या करोगे, इसके बाद स्पेशली यानी कि अब आपके पास H को हटाओ, अब इसमें से H को हटा करके प्लस R को चिपका दोगे, तो बेटा R को क्या करोगे, चिपका दोगे, प्लस R जोड़ दोगे, तो RCOR हो गया। इसको बोलते हैं इस्टर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इस्टर। अब इस्टर का जो सफिक्स होता है ना ओएट होता है, क्या होता है, ओएट होता है। अब इसमें यदि मैं CH3CO एग्जाम्पल के तौर पे R को रिप्लेस कर दो CH3 से, बेटा क्या हो जाएगा, CH3COOCH3 हो जाएगा। तो ये आपके पास देखो फंक्शनल ग्रुप का याद करने का शॉर्ट ट्रिक हो गया, और नीचे कैसे दिखते हैं ये मैंने एग्जाम्पल आपको मेंशन कर दिया है, CH3COCH3। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, जो इससे जुड़ा होता है इसको मिथाइल बोला जाएगा, और जो 2 कार्बन है इसको एथेनोएट बोला जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मेथेनोएट हो जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। तो 3 देखो तैयार हो गया, पहले कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक आएगा, फिर कार्बोक्सिलिक के परिवार के लोग आएंगे। तो पहले आएगा कार्बोक्सिलिक, फिर कौन आएगा, एनहाइड्राइड, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, इस्टर आएगा। अब बेटा देखो अगले नंबर पे क्या है कि देखो अब इसमें OH को हटा करके, यानी देखो ये OH हटा हुआ है, X जोड़ा गया है, तो इसमें कौन सा आएगा, असाइल हैलाइड आएगा। बेटा कौन आएगा, असाइल हैलाइड आएगा। अब इस X को रिप्लेस कर दोगे Cl से, इस X को रिप्लेस कर दोगे किससे, Cl से, तो इस 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, तो इसमें OYL जो होता है सफिक्स होता है, तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका नाम एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये ग्रुप आपको आ जाएगा 4th नंबर पे, यानी 4th नंबर पे कौन आ गया, हाईलाइट वाले परिवार के लोग आ गए, यानी उसमें OH को हटा करके X चिपका दोगे तो ये हाईलाइट का परिवार का सदस्य आ गया। तो 4 तैयार हो गए अच्छे से। अब देखो इसी में क्या है ना कि OH को हटा करके, यानी मैं NH2 चिपका दूंगा, देखो यहाँ पर OH हटाया गया है, NH2 चिपकाया गया है, तो बेटा इसका नाम क्या हो गया, अमाइड हो गया, और ये एसिड से लिया गया है तो इसका नाम हो जाएगा एसिड अमाइड, जैसा दिख रहा है वैसे इसका सफिक्स होता है।
अब इस आर को रिप्लेस कर दो, देखो सी एस थ्री से, तो क्या हो जाएगा, सी एस थ्री सी एन एस टू हो जाएगा, तो बेटा इसको बोलते हैं एथनामाइड बोला जाता है, दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथनामाइड। अगर एक कार्बन का होगा तो उसको फॉर्मामाइड कॉमन बोलेंगे, और मेथनामाइड उसका आईपीसी दिया जाएगा। अब बेटा देखो इसमें कि ये कितने नंबर पे आ गया, ये चौथा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपके पास अमाइड किस ग्रुप पे आ जाएगा, पांचवें नंबर पे आ जाएगा। तो देखो आप थोड़ा रिकैप कर लो, यानी पहले आपका नंबर एक पर कार्बोक्सिलिक है, दो नंबर पे नाइट्राइड है, तीन नंबर पे इस्टर है, चार नंबर पे हैलाइड है, पांच नंबर पे अमाइड है। अब इसके बाद देखो अमाइड है तो अमाइड से ही मिलता जुलता है, क्या है कि देखो इसका अगर एस टू निकाल दोगे, तो बेटा अगर इसका एस टू निकाल दोगे रिएक्शन के माध्यम से, तो इसमें आपका देखो एस टू बेटा पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया, तो क्या बच गया, देखो आरसीएन बच गया। आरसीएन को बेटा क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, साइनाइड बोलते हैं। अब साइनाइड इसके बाद आएगा, ये पांचवें नंबर पे हो गया, तो सिक्स नंबर पे कौन आएगा बेटा, साइनाइड आएगा। अब साइनाइड में जैसे मान लो कि सी एस थ्री है, सी एन आ गया, तो बेटा इसका नाम क्या होता है, यानी कि मिथाइल साइनाइड दिया जाएगा। और साइनाइड को जब आईपीएसी में लिखते हैं तो बेटा क्या लिखते हैं, नाइट्राइल लिखते हैं। साइनाइड को जब आईपीएसी में लिखा जाएगा यानी कि सफिक्स के तौर पे, तो बेटा इसका नाम लिखा जाएगा नाइट्राइल से यूज करते हैं। गॉट इट, इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अब देखो इसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन को बेटा क्या बोलेंगे, इथेन नाइट्राइल बोला जाएगा, इथेन नाइट्राइल इसको बोला जाएगा। अब देखो साइनाइड से मिलता जुलता क्या है ना, आइसो साइनाइड आता है, तो बेटा ये सातवें नंबर पे कौन आ गया, आइसो साइनाइड आ गया। तो देखो टोटल लोगों ने विदिन कार्बोक्सिलिक के माध्यम से लोगों ने सात फंक्शनल ग्रुप को तैयार कर लिया। अब इसके बाद देखो कौन आएगा, एल्डिहाइड आएगा, तो बेटा आठवें नंबर पे कौन आता है, एल्डिहाइड आता है। तो इसमें क्या है ना, देखो ओ को हटा दोगे, बस ओ को रिप्लेस कर दोगे, एच बच जाएगा, तो इसको क्या बोलोगे, आर सी एच ओ को एल्डिहाइड बोला जाता है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एल्डिहाइड में जो सफिक्स होता है बेटा क्या होता है, अल होता है, तो ऐसे आपके फंक्शनल ग्रुप एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे एस सी एच ओ आ गया, तो एस सी एच ओ को क्या बोलोगे, फॉर्मल्डिहाइड बोलोगे कॉमन में, और आईपीएसी में क्या लिखोगे, एक कार्बन को मेथनॉल लिखा जाएगा। अगर मान लो बेटा दो कार्बन का आ गया तो क्या लिखोगे, सी एस थ्री आ गया, सी एच ओ आ गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, एथनॉल बोला जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखो, एल्डिहाइड के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप आएगा रैंक वाइज, वो आपको नौ नंबर पे कीटोन आता है। तो कीटोन में क्या होता है, एच को हटा करके आर चिपका दोगे। कार्बोक्सिली को देखना चाहते हो तो इसमें क्या करोगे, ओ एच को हटा करके प्लस आर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, तो बेटा ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक में अगर ओ एच को हटा के आर चिपका दोगे तो कीटोन कहलाएगा। यानी कार्बोक्सिलिक का ओ एच को हटा करके आर चिपका दोगे तो क्या दिखेगा, कीटोन दिखेगा। अब कीटोन में देखो स्पेलिंग में ही दिखता है ओ एन ई, तो इसका सफिक्स बेटा क्या हो जाएगा, ओ एन ई हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो इसमें कुछ इस प्रकार रहेगा, सी एस थ्री आ गया, सी ओ आ गया, सी एस थ्री आ गया, तो इसको क्या बोलोगे, यानी कीटोन बोला जाएगा, इसको प्रोपिनॉन बोला जाएगा। तीन कार्बन है ना, तो प्रोपेन लिखो और उसमें ओ एन ई को ऐड कर दोगे। तो नौ नंबर तक हमने फंक्शन ग्रुप को बेटा तैयार कर लिया, कार्बोक्सिलिक से ही सब कुछ करना था। यानी आप बैठ करके ये सोचो कि हम इसमें क्या क्या चीजें एलिमिनेट करेंगे और क्या क्या चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके अब बेटा देखो इसमें अगला है कि आप अब इसमें क्या करोगे, सीओ को ही हटा दो पूरी तरह से, देखो क्या ना, कार्बोनिल को ही गायब कर दो, तो क्या बच जाएगा, आरओएच बच जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो एल्कोहल का जो रैंक वाइज नंबर आता है वो टेंथ नंबर पे आता है, तो बेटा एल्कोहल का रैंक वाइज नंबर क्या है, टेंथ नंबर पे है। अब एल्कोहल में ही अब आप सोचो कि एल्कोहल के बाद जो नेक्स्ट आपको याद रखना है, एच को हटा करके आर जोड़ दोगे, तो दिस इज द 11th नंबर आएगा, ईथर आएगा। फिर इसके बाद बेटा क्या आएंगे, एल्कीन आएगा, एल्काइन आएगा। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप का याद करने का शॉर्ट ट्रिक है कि पहले कार्बोक्सिलिक याद करो, कार्बोक्सिलिक किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। फिर उसके बाद आपके बाद क्या आएगा, जितने भी एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, अब एसिड के डेरिवेटिव्स में बेटा सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, देखो ये आपके दूसरे नंबर पे एनहाइड्राइड आ गया, तीसरे नंबर पे बेटा देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इस्टर आ गया, चौथे नंबर पे परिवार में कौन आ गया, एसिड हाईलाइट आ गया, पांचवे नंबर पे कौन आ गया, अमाइड आ गया, फिर आपके पास बेटा सिक्स नंबर पे अमाइड से रिलेटेड कौन आ गया, साइनाइड, और साइनाइड का छोटा भाई कौन सा है, आइसोसाइनाइड। फिर इसके बाद बेटा कौन सा आएगा, यानी एल्डिहाइड आठवें नंबर पे, नौ नंबर पे कीटोन आएगा, फिर इसके बाद बेटा कौन आएगा, यानी कि एल्कोहल आएगा दस नंबर पे, ग्यारह नंबर पे ईथर आएगा। अब देखो इसी को मैंने सिनर्जी टेबल में देखो कुछ इस प्रकार बेटा मैंने लिखा है, पहले कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक है, फंक्शनल ग्रुप ये है, नेमिंग इसका ये है, सफिक्स देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रीफिक्स में इसको कार्बोक्सी बोलते हैं क्योंकि इससे कोई छोटा ग्रुप होगा नहीं, तो इसमें कोई कार्बोक्सी बहुत रेयर केस में लिखा जाता है, तो जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, ओइक एसिड इसमें सफिक्स लिखा जाएगा। अगला देखो बेटा क्या है, आर सी ओ सी ओ आर है, जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड है, इसमें सफिक्स क्या लगाओगे, ओइक एनहाइड्राइड लगाओगे।
अगला बच्चे देखो, अगला क्या है, ईस्टर है। ईस्टर में सफिक्स क्या लगाते हैं, ओएट लगाते हैं, और इसमें जो प्रीफिक्स लगाते हैं कार्बा एल्कोक्स लगाया जाएगा। कार्बा का मतलब देखो, तुम्हारे पास ये सीओ वाले ग्रुप को कार्बा बोल देगा और ओ आर से जुड़ा है तो इसको एल्कोक्सी बोल देगा, ऐसे याद कर सकते हो। अगला देखो, इसके बाद बेटा क्या है, एसिड हैलाइड है। इस हैलाइड में मैंने सीएल लिखा है तो एसिड क्लोराइड बोला जाएगा या एसाइल क्लोराइड बोला जाएगा। ओके, अब देखो इसमें क्या करोगे, सफिक्स में बेटा ऑयल क्लोराइड है, सफिक्स में क्या है, ऑयल क्लोराइड है। अब इसमें प्रीफिक्स में क्या जोड़ोगे, क्लोरोफॉर्माइल जोड़ा जाएगा। क्लोरो का मतलब स्पेशली अगर सीएल होगा, और इसको क्या बोलोगे, फॉर्माइल बोलोगे। ओके, अगला देखो बेटा, इसके बाद क्या है ना, अमाइड है, तो सीएल को हटा करके यहाँ पर एनएच टू चिपका दोगे तो अमाइड बोला जाएगा। इसमें जैसा नाम है वैसा ही लिखा जाएगा, तो सफिक्स क्या होगा, अमाइड। अगर दो कार्बन का होगा तो एथनामाइड, तीन कार्बन का होगा तो प्रोपेनामाइड, ऐसा लिखा जाएगा। प्रीफिक्स में आपको याद रखना है कार्बामोइल, इसको याद करना है। अगला बच्चे देखो क्या ना, कि देखो ये सारे क्या हो गए, एसिड के परिवार के लोग हो गए। पहले कार्बोक्सिलिक हो गया, इस्टर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक के बाद से नाइट्राइड, फिर इस्टर हो जाएगा। इस्टर के बाद बेटा फिर कौन हो गया, हैलाइड हो गया। हैलाइड के बाद से मिलता जुलता अमाइड हो गया, अमाइड के बाद से साइनाइड हो गया। साइनाइड में सफिक्स क्या रखना है, नाइट्राइल, और प्रीफिक्स में साइनो यूज करते हैं। अगला साइनाइड का छोटा भाई आरएनसी है, तो इसमें आइसो नाइट्राइल, और इसमें क्या यूज करोगे, आइसो साइनो यूज करोगे। अब देखो ये सब इजी वाले हैं, RCHO है, तो बेटा इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, सफिक्स में अल लगाते हैं और प्रीफिक्स में फॉर्माइल या फिर एल्टो लगाया जाता है। अगला बच्चे देखो कीटोन है, तो कीटोन में ONE लगाया जाएगा और इसमें कीटो या फिर ऑक्सो लगाया जाएगा। अब कीटोन के बाद सिंपलेस्ट क्या आएगा, एल्कोहल आ गया, तो एल्कोहल में स्पेशली क्या है ना, OH लग गया, OH लग गया तो एल्कोहल को इंडिकेट करेगा। देखो जैसा नाम है वैसा इसका सफिक्स याद कर लो, जैसा नाम है वैसा सफिक्स याद कर लोगे। तो इसमें ओ एल हो जाएगा, तो इसका सफिक्स हो गया, यानी एल्कोहल है तो एल्कोहल के नाम में ही ओ एल स्पेलिंग छिपा हुआ है, तो इसका सफिक्स हो गया ओ एल। और प्रीफिक्स बेटा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। अगला देखो इसमें अमीन है, तो अमीन का स्पेशली क्या हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा। जैसा नाम है वैसा सफिक्स इसका होगा, बस प्रीफिक्स में आपको अमीनो ध्यान में रखना है। ईथर में ROR होता है, इस वाले में सफिक्स इसका नहीं होता है, प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो प्रीफिक्स में एल्कोक्सी यूज करते हैं। प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी। फिर इसके बाद बेटा कौन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। डबल और ट्रिपल में पहले प्रेफरेंस डबल को देते हैं, फिर ट्रिपल को। डबल बॉन्ड में इन याद कर लोगे, इसमें इसका प्रीफिक्स कुछ होगा नहीं, इसमें भी इसका प्रीफिक्स नहीं होगा, तो एज इट इज छोड़ दो। अब देखो ये सारे बेटा क्या ना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, या फिर इसको प्रीफिक्स के तौर पर यूज करते हैं। इसमें एक्स का मतलब हैलोजन होता है, इसमें आपके चार मेंबर आएंगे, फिर कल बाहर आई एंटी, इसको शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हो, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, इसी को शॉर्ट में हैलोजन बोलते हैं। इसमें सफिक्स इसको यूज नहीं करेंगे, प्रीफिक्स इसमें हैलो लिखेंगे। जब सपोज मान लो जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो लिखोगे, Br है तो ब्रोमो लिखोगे। अगला बच्चे नाइट्रो है, तो नाइट्रो में स्पेशली क्या कहते हैं, सफिक्स तो यूज होगा नहीं, नाइट्रो लिखोगे। और बेटा आखिरी में है आर, आर को स्पेशली क्या लिखते हैं, अल्काइल लिखते हैं। तो ये सारे आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करने का ट्रिक हो गया, कि पहले कार्बोक्सिलिक याद करो, फिर कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव्स को याद करो, फिर ऐसे आप सारे को अच्छे से दिमाग में सेट कर सकते हो। तो बेटा ये आपके पास था सिमिलरिटी टेबल को कैसे याद कर सकते हैं। फिर मैं इसको अगले वाले स्लाइड में जितने भी आपके कॉमन नेम वाले हैं, फिर मैं आपको बेटा मैं उसमें आपको सारी चीज अच्छे से लर्न कराने का प्रयास करूंगा। और जब डिटेल में जाना चाहते हैं तो डिटेल में कैसे इसको लर्न कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको बेटा जा करके अच्छे से चेक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वाले लोग वीडियो में क्या सीखेंगे, जितने भी क्लास 11th में या 12th में कॉमन नेम आते हैं उनको हम अच्छे से रीराइट करेंगे और अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।